स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर टेंस का पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे। एज यू नो, एक्टिव फॉर्म में आप जानते हो कि सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस वर्ब वन का यूज होता है। इसे पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो तो पहले से ही जनरल रूल है और वर्ब थ्री का यूज होगा। एज एक एग्जाम्पल लें, आई Shall eat a mango. I shall eat a mango. अभी mango ऐसे फॉर्म में, ये mango सब्जेक्ट हो गया क्योंकि एक्टिव फॉर्म में हुआ ऑब्जेक्ट। ये mango will eat. ये mango will be eaten। और थ्री हमेशा वर्ब थ्री का ही प्रयोग करेंगे, विल बी ईटन बाई एजेंट का प्रयोग करेंगे और आई का ऑब्जेक्टिव टेंस हुआ नहीं। बहुत सारा वीडियो है लेकिन इससे मात्र दो टेंस का ही प्रैक्टिकल यूज है, एक सिंपल फ्यूचर टेंस और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप एक्टिव फॉर्म जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव विल हैव प्लस ईटन। इसका पैसिव फॉर्म सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस बीन बीन और प्लस बी थी तो हमेशा हर आदमी ही होगा पैसिव वॉइस में। अब एग्जांपल लेते हैं उसी, तो आई सेल है, आई सेल है ईटन ए मैंगो। इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ये मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय मी। ये दो टेंस फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, बाकी सारी प्रैक्टिकल है उससे कहीं भी आजकल नहीं होता है। फिर हम आज देखते हैं एक और, जो अगर दो ऑब्जेक्ट हो तब क्या करेंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, आई गेव हिम ए बुक। आप ऐसा जैसा कि इसको देख रहे हो, दो ऑब्जेक्ट है हिम और एक बुक। आप किसी एक को लेकर के आप बना सकते हो, जैसा दिखाई दे रहा है इस सिंपल पास्ट का है। अब इसमें ऑब्जेक्ट हम ही मिल के ले जाइए बुक, तो ये बुक ही अगर लें, ये बुक और सिंपल पास्ट में वाज देयर का प्रयोग होता है, क्या होगा, ये बुक वाज हर थ्री, तो ये जनरल रूल है हमेशा ले बुक वाज गिवन बाय। अब यहाँ टू भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते। ये डबल ऑब्जेक्ट का इसका टू आप यहाँ दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ये बार फिर ही होगी। अगर हम हीम से ले तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही वाज गिवन ए बुक by me, we were free to take any subject, दो ऑब्जेक्ट हो उसमें से किसी एक को लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। तो
इंपेरेटिव सेंटेंस में एक आपके सेंटेंस को देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, देखिए, लेट हिम गो, लेट हिम गो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो अब इसमें देखना पड़ता है कि सजेशन है, ऑर्डर है, अगर इसको लेट हिम गो यानी उसे जाने दो, इसका क्या बनाएंगे, लेट ही, लेट वाले में हिम बी और गो का वर्ड करी गॉन, लेट हिम बी गॉन, ये क्लियर। लव योर, लव योर कंट्री, इसको क्या करें, यू शुड, शुड लगा कर भी बनाते हैं, यू शुड, दैट इज सॉरी, योर कंट्री शुड बी लव, शुड बी लव बाय यू, इसमें अलग पर ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर टू, एक सेंटेंस लेते हैं, शट द डोर, शट द डोर, ये ऑर्डर दिखाई दे रहा है, दिया यू, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, एक ग्लास ऑफ, एक चीज लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आप प्रोसीजर जब लिखना होता है एक सेंटेंस में, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसको लेट से अगर बनाएंगे क्या होगा, लेट ए ग्लास ऑफ, ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉड। लेकिन अगर ये आप साइंस के एक्टिविटीज को आप लिखते हैं और उसमें जैसा लिखा रहता है वैसा ही उतार देते हो, तो उसके लिए आज सिंपल प्रेजेंट टेंस याद रखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या फॉर्म है, एम इज आर और वर्ब थ्री। तो वो आप साइंस के एक्टिविटी को उसका जो प्रोसीजर है वो लिखने में आप लेट का यूज नहीं करेंगे, उसको गलत माना जाएगा। तो इसको अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम चेंज करें तो ये लिखेंगे क्या, ए ग्लास ऑफ वाटर इज वॉट, हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें एक ग्लास पानी लाया जाता है, तो ऐसे लिखेंगे, लेट लगाकर नहीं बनाएंगे। एक आज के वीडियो का सबसे पहला नोट करें, जब आप एक्टिविटी को अगर सर बोलते हैं कि लिख के लाना है एक्टिविटी को, तो किताब से कॉपी कर लेते हैं, उसमें जैसा लिखा रहता है इंपेरेटिव सेंटेंस में वो ऐसा ना लिखेंगे आज से, आज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में उस प्रोसीजर को लिखेंगे सर, समझ गए, ए ग्लास ऑफ वाटर इज ब्रॉड, ए ग्लास ऑफ वाटर इज ब्रॉड। सिर्फ आप इसको बुक को देखेंगे और वहाँ से एक्सरसाइज को बनाएंगे। धन्यवाद।